नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगदार की बात करें तो यहाँ पर इन बच्चों ने आज अपना रोष व्यक्त किया। यहाँ के बच्चों का कहना था कि गवर्नमेंट द्वारा जो है पहाड़ी स्कॉलरशिप को रिलीज नहीं किया जा रहा और इसका पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार ठहराया उन्होंने जहाँ वहाँ पर मौजूद जो आला अधिकारी हैं उन्हें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तरफ से पहले उन्हें फॉर्म भरने के लिए कहा गया और बाद में ये कहा गया कि आपके फॉर्म्स जो हैं इनकम्प्लीट हैं और आप इस पहाड़ी स्कॉलरशिप के लिए मान्य नहीं हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करें क्योंकि इस समय देश जो है कोविड-19 से जूझ रहा है। इसी के चलते उन्होंने आला अधिकारियों और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी पहाड़ी स्कॉलरशिप को रिलीज कर दिया जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई आराम से कर सकें। तो आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हमें स्कॉलरशिप मतलब हमारा स्कॉलरशिप फंड रिलीज किया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अनफॉर्चुनेटली कि हमें वो हमारी स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कुछ इरिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी फॉल्ट नहीं था। जब हम लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, आप लोगों को हैंड ओवर करते हैं, तब तक तो हमारे फॉर्म्स ठीक होते हैं। आप एक हाथ से फॉर्म लेते हो, दूसरे हाथ से 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हो। वो किस लिए लेते हो? आप हमारे फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए आप लेते हो? हाँ, आप लोगों ने फॉर्म हमारे उन डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फॉल्ट नहीं था, वो फेक नहीं थे। आज हम आपसे कंसर्न कर रहे हैं, प्रिंसिपल से कंसर्न कर रहे हैं कॉलेज के, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब पता चलेंगे? आप 1-1 लाख रुपया सैलरी किस बात की लेते हो? चेयर्स पे बैठ के सिर्फ पैशन दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए? हमें हमारा हक विद इन डेज मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई और स्टेप उठाना पड़ेगा। हम फाइनेंशली इतने साउंड नहीं है कि हम लोग अपने ये स्कॉलरशिप हमारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पीछे से फंड्स तो आते हैं, लेकिन आप कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमें हमारा हक नहीं मिलता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? किस खुशी में आपने हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं दी है? हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए। बस हम लोग इतना खर्च करके इतना मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते थे, फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम लोग ऊपर से आप लोग आगे से ऐसा कर दिए। आप लोगों से आज हम कंसर्न करें तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब आप एक दूसरे पे ब्लेम करते हो। हमें बोलते हो कि आप आज तक तो हमारे डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं थे, उनमें तो कोई फॉल्ट नहीं था, आज आप क्यों बोल रहे हो? हमें हमारी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो कॉलेज इंतज़ामिया जो भी हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों की कोताहियों की वजह से, उन लोगों की इरिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? अरे आप नहीं हो तो और कौन है? हमें बताओ ना, हम कहाँ जाएँ? आज गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, गैदरिंग सोशल गैदरिंग से बचो, लेकिन हम लोगों की मजबूरी ने हमें घर से निकलने पे मजबूर किया है। हम लोग सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए। बस आप लोगों को जो भी कुछ हुआ वो आप लोगों की गलतियों की वजह से हुआ, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट नहीं था। आप लोगों ने खुद किया, फॉर्म किसी और का था, ऊपर फोटोग्राफ किसी और का चिपकाया, वो रिजेक्ट नहीं होता तो और क्या होता? 26 स्टूडेंट्स के फॉर्म इनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए। अभी तक तो हमें हमारे पास ना हमारी हार्ड कॉपी है ना हमारे पास कुछ है, इनका मतलब फॉर्म नंबर भी नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि 3 महीने पहले हमने अपने फॉर्म मतलब नेटवर्क सब कुछ बंद था, सोशल मीडिया मतलब कुछ भी नहीं चाह रहा था, इसलिए यहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए। फिर उन्होंने मतलब वो 200 भी लिए उधर से, वो बोल रहे थे हम खुद आपके ये नेट पे ऑनलाइन करेंगे, लेकिन इन लोगों की जल्दबाजी की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। हमारी मैसेज ये है कि हमें हमारी स्कॉलरशिप, हमारा हक चाहिए। हमारे साथ इनजस्टिस क्यों? इन लोगों की वजह से, ये तो मंथली 1-2 लाख सैलरी लेते, लेकिन इन लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोग इतने फाइनेंशली साउंड नहीं है कि हम लोग अपनी हर मतलब जो स्कॉलरशिप के बगैर हम अपनी एजुकेशनल पर्पस पूरा कर सकते हैं। हमारी ये इंतज़ामिया से मांग है कि हमारा जो भी है विद इन डेज वो हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द कोर्ट। वी हैव ऑलरेडी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप वहीं पर जवाब देना। थैंक यू। देखिए, स्कॉलरशिप फॉर्म रद्द करने का कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ये स्कॉलरशिप फॉर्म जो हैं ये ऑनलाइन भरे जाते हैं, उसके बाद जो एजेंसी है, जैसे ये मेरे ख्याल से पहाड़ी स्पीकिंग स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं आप, तो ये
एजेंसी ने फॉर्म रिजेक्ट किए होंगे, कॉलेज ने नहीं किए हैं। ये ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, तो अपलोड करने के बाद वहाँ पे जो पहाड़ी बोर्ड वाले हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि असली है या नकली है। हमारा रोल जो होता है सिर्फ फॉर्म्स को वेरीफाई करने का हो। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, हमारी कॉलेज में अभी प्रिंसिपल है नहीं, तो मैसेज यही है कि हम देखेंगे इनका रिकॉर्ड क्या है, किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि असली वजह क्या है।